हाँ हाँ ठीक है बेटा आ जा। ये बंदा मैनू कुछ शक्की लगता है। पापा जी हैदरकोट तो भी कोई आया सी, मैनू तो लगता कि नहीं है। आसमा पुत्र तू ठीक है? हाँ, क्या हुआ पुत्र? राजा 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 सुनता है पापा। हाँ पापा, मैंने राजा को यही देखा, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो अगर वो जिंदा है तो अपने घर क्यों नहीं आ रहा? भाग क्यों रहा हम सबसे? पापा वो डरा हुआ। डरा हुआ है? वो आलिया से डरा हुआ है पापा। वो मुझसे और माँ से पूरी फैमिली से डरा हुआ है, पर उसकी हालत बहुत खराब है पापा। वो बहुत गुस्से में था और उसके पास कुछ फोटोज थे, आले और अरमान के फोटोज, उसपे उसने क्रॉस लगा रखा था। पता नहीं क्यों वो क्या सोच रहा है क्या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर उसकी दिमागी हालत बहुत खराब है। वो आसपास ही कहीं भागे, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए पापा प्लीज। तो अगर राजा जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ के वापस लाऊंगा। पुत्र अपनी हालत देख, तू घर जा। हाँ पापा मैं घर जाती हूँ, मुझे अरमान को बताना। नहीं 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 आसमान, नहीं नहीं पापा, राजा जिंदा उसे तो बताना। नहीं आसमान नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पहले मुझे पता कर रहे थे, उसके बाद ही किसी से कुछ कहेंगे। प्लीज पुत्र ठीक है, अरमान जज्बाती जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन ले लेगा। टेंशन ना ले पुत्र, तुझे पहले इतना स्ट्रेस है मुर्तजिम की वापसी का, तो सबसे पहले जाके वो काम खत्म कर। पापा मैंने मुर्तजिम और जैद दोनों को गुरुद्वारे में छोड़ दिया, मुझे गुरुद्वारे जाना होगा, पर आप प्लीज प्लीज राजा को ढूंढ लीजिए। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अपनी टीम को बुलाता हूँ और इस इलाके का पूरा चप्पा चप्पा छान मारूंगा। तू भी घर जा। गो बाजी गल सुन ले, गो गल सुनो, की नाम है तेरा? जी अभी बताया था ना, मोंटेक सिंह। सचो सच दस की नाम है ते किथों आए हो? बोलो बोल बोल भाई बोल बोल, बोलता क्यों नहीं भाई बोल, क्या कर रहे हो आप? ये गुरु घर का कुछ तो मान रखिए। जसो कुछ नहीं, हम आ गए ना इस गरीब इंसान के पास, अब ऐसे कैसे पेश आ रहे? पहले तो आप ये बताइए कि ये है कौन, आपका लगता क्या है? क्या लगता आपका? बोलो बोलो क्या लगता है दसो? बोलो ना। बोलो दसो दसो की लगता है, दसो की लगता है थोड़ा ये? ये मेरे पति। वाह जी वाह, तुसी कह दिता ते असी मन लईए, ए ते सानू कोई बहरूपिया लगदा है। की नाम है इना दा? मोंटेक सिंह। ते नाले बच्चे दा? जसपाल। ते तुहाडा? आसमा कौर। मेरे बच्चा अपने आप नूं जैद क्यों बोल रहा? बोलो ना। बोलो। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? माहौल खराब करना चाहते हैं या लोगों के मन में शक पैदा करना चाहते हैं आप? मेनू ये दसो जी, बच्चा अपने माँ प्यो नु मम्मी अब्बू थोड़ी कहिंदा हुंदा है? बिल्कुल सही है। अरे बच्चा है, अम्मी अब्बू कह दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ये लोग पड़ोसी मुल्क जा रहे हैं, We'll be right back.
पड़ोसी मुल्क के गुरुद्वारे, इसीलिए थोड़ी बहुत उर्दू बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई समझ आप लोगों को? वाह जी वाह, नाम जैद। अरे पड़ोसी मुल्क जाने के लिए नाम भी बदल लिया। कुछ दिन पहले इसके स्कूल में एक प्ले हुआ था जहाँ इसने एक जैद नाम के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया था, तो बस तब से खुद को जैद 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 कहता रहता है। क्या लगते हैं ये आपके? क्या लगते हैं बताओ आप, क्या लगते हो इनके? बोलो बोलो बोलो, इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हो? मैं इन्ना दी वोटी और ये है मेरी बहन और ये है इसका परिवार। आप ठीक तो है ना चीजा जी? मुझे लगता है ना कि आप सब थक गए होंगे, तो आप अपनी वोटी और बेटे को लेके घर जाइए। और आप सबका हो गया होगा तो बख्शो सान, प्लीज जाइए। आजो, ये तो सानू ही शक पै गया। आजो आजो आजो। आलिया, मैं ना सब समझता हूँ, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? क्या जानबूझ के अरमान, तुमने देखा नहीं कैसे सब आसमा के पीछे पड़े हुए थे? कोई यकीन नहीं कर रहा था उस पर। मुझे लग रहा था कि गुरुद्वारा साहब में खड़े होकर वो और झूठ नहीं बोल पाएंगे। खुद सोचो अरमान, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर उसके मुंह से गलती से भी कुछ सच निकल जाता तो। बोलो। ये चोट कैसे लगी? वो गुरुद्वारे में सेवा करते वक्त पैर फिसल गया। क्या जरूरत थी उनके साथ गुरुद्वारा साहब जाने की? ये कैसी बात कर रहे हो अरमान? एक फैमिली शो करने के लिए फोटोज क्लिक करवाना। यार फोटो की यार टट्टे खोज आसमा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? कैसा तुम भीड़ में खड़ी होकर सबके सामने कह रही थी वो तुम्हारा? अरमान अरमान प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो, लोगों को शक हो जाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सेंसिटिव मैटर है। आसमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आपने वहां उन लोगों के सामने हमें अपना हस्बैंड और जैद को अपना बेटा ना कहा होता तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आसमा सिर्फ एक्टिंग कर रही है और ये बात ना हम सब जानते हैं, आप भी जान लो कि ना तो वो तुम्हारी बीवी है और ना ही वो जैद की अम्मी। चोट तो इतनी भी छोटी नहीं है, फिर तुमने अरमान से झूठ क्यों बोला? हमदर्दी बटोरने का कोई मौका तो तुम वैसे ही नहीं छोड़ती। फिर आज क्या हुआ आसमा? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने वो नए वाले हस्बैंड को बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि अरमान उस पर गुस्सा ना करे? वैसे ना आसमा, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आज गुरुद्वारे में तुम सबकी जान जो बचाई है मैंने। नहीं, थैंक यू तुम्हें मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं अपना मुंह बंद रख रही और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। ना मुर्तजा मेरा हस्बैंड है और ना मैं इस घर से कहीं जा रही। अच्छा आलिया, तुम्हें ना उल्टी गिनती शुरू कर लेनी चाहिए क्योंकि इस बार तुम रब भी नहीं बचा सकते। क्यों?
ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है और रब दी सौ आलिया, इस बार ये घड़ा मैं सबके सामने फोड़ के रहूंगा।